नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो लेकर आया हूँ गांव सेरा जिला पानीपत से लेकर आया हूँ। कैमरे के सामने देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार मुर्रा और बहुत ही बढ़िया सिर पे काम पशुपालक के घर पे ही ऐसी मुर्रा देखने के लिए मिलती हैं भाई। क्योंकि कोई भी भाई है सेल परचेज का काम करने वाला हो तो ये जोटियाँ हम पशुपालक के घर से ही निकल के जाती हैं, और धन्यवाद करता हूँ इन आम पशुपालकों का जो ऐसी जोटी निकाल कर तैयार करके हमारे कैमरे के सामने बार बार ले कर आते हैं। क्योंकि हरियाणा तो एक मुर्रे की खैन है भाई, बार बार हर वीडियो में कहते हैं, तो एक से एक टॉप जोटी निकाल कर दिखाते रहते हैं। तो देखें बिल्कुल छोटे सींग की है, तो बाकी जानकारी आप इन्हीं से लेंगे क्योंकि घर तैयार करिए जोटी। ये भी बेरा इन्ना भाई कितना दूध दे है पिछले ब्यांत में, बच्चे इसके कैसे आवें, सारी डिटेल लेकर आप इन्हीं से देंगे। तो राम राम जी। राम राम जी। ऊंचा बोले थोड़ा। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक ठाक है जी? बहुत बढ़िया। गाँव सेरा अपना जिला पानीपत है। हाँ जी। तो यह जो अपनी जोटी है जी, हाँ जी, अपना घर की है या फिर? घर की है जी। घर की है। हाँ। अपना घर के दूध दाद की केस की डिटेल है। दूध 16 किलो दिया खरकी ने। खरकी ने 16 किलो दिया। हाँ। अब का बार कौन से ब्यात किए जी? यही का तीसरा, दूसरे में दिया उन्होंने 21 दूसरा। हाँ, इब का परमात्मा जो कहेगा जो दे होगी। नहीं जी ठीक है, तीसरी ब्यात में अब की बार ब्याह होगी। हाँ जी हाँ जी, 12 तारीख ने टाइम पूरा होगा। 12 ने इसका टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखें भाई बिल्कुल तैयारी है जो काफ़ी बढ़िया, वो सभी भाइयों के सामने आपने दिख भी रही है, बहुत ही बढ़िया फेस रोर। बच्चे बुच्चे कैसे आओ जिसके? बच्चे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कटड़ी है इसकी जी, दूसरे ब्याज की। अब की बार कौन से टीके से प्रेग्नेंट है? जोटे से है जी। जोटा अपना गांव में कोई अच्छा गाँव महावीर का जोटा, देखो शानदार जोटा है। नहीं जी ठीक है बात। तो बिल्कुल शांत स्वभाव, कल्ली जोटी गाड़ के अंदर आई है। तो तालाब पर भी जाओ जोटी जी? हाँ तालाब पर जाओ जी। तो देखो भाई यही फर्क है, अगर आप ये बोल दिया भाई बाहर खुलने का थोड़ा सा यही फर्क है। आज कल्ली जोटी देखें वीडियो में, कल्ली है बिल्कुल, कोई हलचल नहीं है जोटी के अंदर। तो जी चुआई चुई में कैसी है? 100 नंबरी है जी। 100 नंबरी है, बिल्कुल 100 नंबरी। कड़िया तो कोई आओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो काफी बढ़िया। पहला जो बच्चा आया होगा इसका वो किसा है? वो करड़ा बेच दिया था जी। बेच दिया? अच्छा, बहुत अच्छा करड़ा था जी। तो देखो यही उम्मीद करते हैं भाई नाम पशुपालकों से हम भाई, अच्छी चीज निकाल के दिखावेंगे। चुआई में किसी भाई ने सोचने की लोड़ नहीं, चकड़ियां तक कोई भी भाई जी, जी, कोई कोई नहीं संपर्क कर सके। और वैसे अपने फार्म पर जी कितने पशु आज? मेरे पास 6 भैंसे हैं जी। 6 भैंसे हैं जी, सारी अच्छी क्वालिटी की। अच्छी क्वालिटी की। आप कटड़ी तैयार करा या फिर पैल? कटड़ी तैयार कर रहे हैं जी। कटड़ी तैयार कर लेने की? ये भी इनकी माया दड़े से तैयार करी थी। नहीं जी ठीक है बात। तो आप यो जिस तरह तैयार करा, कब से लग रहे करण के इतना खड़ा रहे डाइट में? जैसे आपने भैंस अच्छी तैयार कर की है, डाइट में के दे रखे इस तरह? डाइट में तो ये बनोड़े खड़ मिक्सचर और दलिया। दलिया? हाँ जी। ये आप देवा? हाँ जी। तो इसी साइड में ले भाई साहब, इसी में ले चल। तो थोड़ी सी में पूरी तरह से कवर, आई टू इट पूरी कवर करके भाई सब भाई दिखा देंगे। तो पुट्ठा एक बार आप देखें, बिल्कुल कैमरा ऊपर रख दूँगा, देखें काफ़ी ज़्यादा चुड़ाई पुट्ठे की, नीचे आऊँगा देखें तो काफ़ी बढ़िया बन के आ रही है भाई, बहुत बढ़िया। तो ब्याने का समय कितने का ले लेगी जिया? 12 तारीख ने होगा जी टाइम पूरा। 12 ने टाइम पूरा होगा। ले होगा इसकी मर्जी, भगवान की मर्जी। ना 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 ठीक है बात। तो भाई देखो जिस भाई ने लेनी, तैयारी काफी बढ़िया। और मैं एक बात और बोल दूं सब भाई ने, हाइट बीच की है यानी कि चुड़ी काफी ज्यादा, तो ये भैंस दूध काफी बढ़िया दे दे हैं। और उम्मीद भी होनी चाहिए इस भैंस से क्योंकि बिल्कुल एक शांत स्वभाव का पशु है। जब भी किसी के फार्म पे जाते हैं तो भाई मन करता है अच्छा ही पशु सब भाई दिखावा, ताकि किसी भी भाई का वक्त जाया ना हो। और जितने कुछ भाई देखो भाई ऐसे फ्रॉड वाले भाई भी आवे आगे तो आगे वीडियो उठा के गेट दें हमारी, तो थोड़ा सा उनसे बचें। एक दो भाई ने बोलिया भी है वीडियो में फ़ोटो लगा दें, जैसे ये जो टी एस की फ़ोटो उठा ली, ये इतना किया या इतना किया, उनसे बचे करो। ये देखे करो भाई कौन सा चैनल पर किसकी वीडियो किस तरह चल रही है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान फोकस करे करो। तो फोटो फाटुओं पर ज़्यादा फोकस ना करे करो आप। तो आप जी आज किस रेट में देवेंगे ना? इसके 4 लाख रुपये हैं जी। 4 लाख? तो 4 लाख रुपये भाई देखे कुछ भाई ये भी बोल देंगे भाई थोड़े ज़्यादा रेट है। तो जो ये आप पशुपालक हैं भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके तो ये पशुधन तैयार करें भाई, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लग जाए। शुरू से ही अपने फार्म पर जिया? हाँ जी। कटड़ी से जब? हाँ जी। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड रहा होगा? इसकी माँ का पूरा रिकॉर्ड रहा जी, जब तो दूध दादी साहब भी कहता जब हम दूध बेचते थे ना बेरा पटा था बल्टा भरया करती खूब सारी थोड़ा सा चलती फिर बहुत बढ़िया।
तो मेरे ख्याल में बिल्कुल जेड ब्लैक, कोई व्हाइट निशान जिसका कुछ? कोई निशान नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी, याद तो करना कुछ हो जो। नहीं जी ठीक है जी, बात तो चारों साइड से पूरी तरह से कवर कर देंगे भाई, ताकि किसी भाई ना कोई परेशानी ना हो, तो देख ले बिल्कुल क्लियर कर ले। नहीं कुत्ता बैठा का ध्यान करिए, पांच बाल ही टेल के अंदर मेरे ख्याल में व्हाइट होंगे, तो जाने दे भाई आगे लंबा जाने दे। बिल्कुल दो नंबर पे जो टी आई भाई वो भी बिल्कुल लाजवाब है, बाकी जानकारी थोड़ा सा इन्हीं से लेंगे। तो बोले जी, हाँ जी दे दो नंबर पे जानकारी जो टी आई। हाँ जी बोलने इसके बारे में, खर की झोटी चार दांत, पहला ब्यांत में चार दांत, तड़ा कटड़ी है या तड़ा कटड़ी है? हाँ जी। तो नीचे इसका कटड़ी है भाई, कटड़ी बहुत बड़ी आ रही है, और थोड़ा साइड में लेके जाएं भाई साहब, उसी साइड में ले जा। चार दांत है जी, चार दांत। तो कितना दूध तैयार आज? दूध 14 किलो तैयार है जी, 14 किलो दूध तैयार, टाइट अंडर में आप देखें नजा के लंबी, बिल्कुल लाजवाब देखें, तो काफी बढ़िया थन निकाल रही है भाई, बहुत बढ़िया थन। और मैं तो ये कहता हूँ इस अंडर की झोटी टाइट अंडर में तो मान के चलते हैं भाई, काफी अच्छा दूध देने की रहेगी, क्योंकि आज भी काफी बढ़िया दूध तैयार है। आइट में किसी भाई ने सोचने की जरूरत नहीं, चार दांत तो स्पेस आप देख लें, काफी बढ़िया ले आए मेरी साइड में बच्चा। हाँ जी फिर कोई बात नहीं, तो इसके कोई व्हाइट निशान रखे तो नीचे कटड़ी मान के चलो, चार दांत रोटी नीचे कटड़ी हो तो आम पशुपालक लेने के काफी इच्छुक रहते हैं रोटियों के। तो बाकी थोड़ा सा एक बार और पूछ लें, तो कितना दूध दे देगी जी पीक पे जाने के बाद? देखो भी तो भगवान की मर्जी है, मौके 14 किलो है, 11 दिन की ब्याई है, 11 दिन की, 11 दिन की, 11 दिन की ब्याई में 14 किलो तैयार है। हाँ जी, तो इसकी माँ मुँह का क्या रिकॉर्ड रहा जी? इसकी माँ तो दी बेच हुआ 20-21-22 किलो नहीं दिया करती, 20-21-22 किलो। हाँ पक्की चार दांत एक बार दिखा दो मेरे, देख रहा कोशिश करिए, देखिए चार के नहीं थोड़ा दिखा दे, आ जाए ना थोड़ा आगे आ जाए, दिखवा दे कोई बात नहीं, देख ले थोड़ा सा एक बार कोशिश कर ले, बाहर खड़ी है मैं दिखाया जल्दी, थोड़ा कोशिश करें एक बार थोड़ा सा है मेरी, थोड़ा दिखा दी नहीं भाई, थोड़ा सा कौन प्यार था, प्यार रहने दे छोड़ दे ना, चोट खा लेगी, चार है चोट खा लेगी। तो फाइनल चार इन्होंने करी भाई, देखो भाई ने थोड़ा अपन ने देखे नहीं, तो एक बात हो जाएगी, जो कोई भाई आवेगा आप क्लियर करके दिखावेंगे। हाँ देख लो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ठीक है जी, बात क्लियर हो जाएगी भाई, जिस भाई ने लेनी तो स्पेस पास देखें काफ़ी बढ़िया, थोड़ा आगे ले लें भाई जी, थोड़ा सा आगे ले लें, तो देख लें भाई चारों साइड से पूरा क्लियर कर दूंगा, तो देखें भाई बिल्कुल क्लियर होगी। तो चुवाई में कैसी है जिया? बढ़िया बढ़िया बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत को नहीं ना, कोई दिक्कत, कोई छर्रा नहीं, नरम पसा नहीं, कोई नहीं, नहीं जी ठीक है बात। तो ले भाई साहब मेरी साइड में ले आ, तो आइटम भाई किसी भाई ने सोचने की जरूरत नहीं, सारी बातें फाइनल है। और एक आम पशुपालक है भाई, जिस भाई ने खरीदनी हो तो सेल करनी है जी, आप आया सेल कर देंगे, किस रेट में देंगे फिर इन्हें? 1,65,000 की दे देंगे जी, 1,65,000 की, 65,000 की 14 किलो दूध है, 11 दिन की ब्याई में भाई 14 किलो दूध, चार दांत रोटी, हाइट में किसी भाई ने सोचने की जरूरत नहीं, 2-3 इंच की वाइट इसकी टेल है, और कुछ आम पशुपालकों की च्वाइस रहती है भाई इस अडर की रोटी मिल जाए टाइट अडर की, कच्चा पक्का में कोई दिक्कत नहीं, कड़ियाँ पर बांधा क्योंकि ज़्यादा लटकमा आर्डर हुआ उस रोटी का भी कोई फायदा नहीं होता। तो ले आए जी बांधे, ले चले अंदर ले जाए कोई बात नहीं। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं भाई ये रोटी आपने कैसी लगी, आशा करूँगा सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी, आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।